6:32, ठीक है, ये रहा मेरा, ठीक है, एक, ये दो नवीन्या का और ये तीन मधुसूदन का, साइकिलर पनवेल, पनवेलकर साइकिलिस्ट, ठीक है। आज जा रहे हैं हम लोग उमरखिंड, उमरखिंड मालूम है ना, बैटल ऑफ उमरखिंड अपने को हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक और जन है उसके लिए रुके हैं, लेट्स सी, यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर है, ओल्ड पनवेल में जो नाका है उधर, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। तो ये रहा मौसम, कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम लोग सब रेडी है, धूप निकलने के बाद मतलब थोड़ा उजाला होने के बाद मिलते हैं, ओके। तो हम लोग अभी पहुंच गए पंचमुखी हनुमान मंदिर के इधर। तो सर आपका नाम? कुंडलिक। कुंडलिक, तो ये मोहन है, मोहन है, ये वही है जिससे जो घर लेके गया था लेकिन खाना नहीं खिलाया। ये मैडी है, अमित है, अमित थोड़ा लाइट की तरफ देखो ना, ये अमित है, वो भी एक्चुअली पनवेल से आया लेकिन लेट हो गया बंदा। मंजीत, मंजीत लाइट की तरफ देखना, हाँ इधर इधर। तो अभी तो खैर बहुत अंधेरा है, तो आधा एक घंटे के लिए बंद करता हूँ ब्लॉगिंग, उसके बाद जब थोड़ा उजाला निकलेगा तब स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, आज 50 किलोमीटर जाने का, 50 किलोमीटर आने का सेंचुरी कवर करेंगे आज, ठीक है। तो ये वही जगह है, वो फ्लाईओवर है, वो पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, आपको बस का लाइट दिख रहा है ना, हाँ, ये उसके बाजू का नज़ारा देखो, ऊपर से पेड़ के सब मुंडी दिख रहे हैं, नीचे का कुछ नहीं, वो पहाड़ है। शेड्यूल टोलना का क्रॉस किया, क्या आला आज, शेड्यूल टोलना का भी हिल स्टेशन जैसा दिख रहा है, मतलब ले देखे इधर कैंपिंग किया ना तो भी अच्छा लगेगा। चलो डैम ब्यूटीफुल यार, आज फॉग है, कल फॉग नहीं था। तो ये रहा पंप, ये साइकिल में, और ये साइकिल में हवा भर के लिया है, अपना साइकिल तगड़ा है भाई, कुछ भी बोलो, इंटरनेशनल अपना साइकिल, ये साइकिल को कोई चुनौती नहीं है, हैवी है मानता हो लेकिन कोई चुनौती नहीं है। ओ पहाड़ के पीछे छुपा है सूरज, अंडा दिख रहा है, अंडा सुंदर सा, अंडा मैं गलती से खोपोली आ गया भाई, तो बीच में खालापुर जंक्शन से राइट मारना था, तो मेरे को अभी यहाँ से 18 किलोमीटर दिखा रहा है वो, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, पूरा ग्रुप एक्चुअली मैजिक है कि उधर चला गया है। मैं जो खोपोली से आया हूँ ये इमेजिका के पीछे हूँ, और मेरे दोस्त लोग जो छूट गए हैं, जो जिन्होंने खालापुर जंक्शन से राइट टर्न लिया है, याद रखिए अगर आप पनवेल साइड से आ रहे ना तो खालापुर जंक्शन से राइट टर्न लो, ये इमेजिका के जस्ट अपोजिट साइड में, ये रोलर कोस्टर वोस्टर सब दिख रहा है ना, ये पूरा
ये देखिए, ये जो है ये नोवोटेल इमेजिका का होटल है। इस रास्ते में बीच में 10-10 मीटर 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 20 मीटर 50 मीटर ऐसे रास्ते ऐसे पैचेस है ना, थोड़ा ख़राब है, कंस्ट्रक्शन चालू है उधर, लेकिन थोड़ा अंदर आने के बाद सीधा ऐसा टार रोड है, एकदम स्मूथ और बहुत सुंदर नज़ारे है। दोनों तरफ जंगल है, मैं एक्चुअली जंगल के बीच से जा रहा हूँ देखा जाए तो। ये देखो यहाँ पे सडनली ख़राब रास्ते का एक टर्न दिखेगा, ये वही है, उम्बरखिंड के लिए कोई पक्का सड़क नहीं है, और यहाँ पे ऐसे दिखेगा औषधि वनस्पति संवर्धन क्षेत्र शिमड़ी तालुका खालापुर रायगढ़, ठीक है, ये आपका वो उम्बरखंड छावनी जाने का ये रास्ता है। थोड़ा ख़राब दिख रहा है, आगे चल के देखते हैं कैसा है। रास्ता थोड़ा ख़राब है लेकिन ऐसा सीनिक जगह है, सुबह सुबह आने में थोड़ा मज़ा आएगा। मैं लेट हो गया हूँ, वैसे हमारे दोस्त लोग भी ज़्यादा दूर नहीं होंगे मेरे से। यहाँ पे बहुत पतला रास्ता है, एक गाड़ी आ गई दूसरी गाड़ी को तकलीफ हो जाएगा। चलो देख लिया ना कितना धूल है। बीच में तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता, ये उम्बरखंड का जो रास्ता है ना, तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता ना बहुत ख़राब है। उसके बाद ठीक है, मतलब उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन सीनरी अच्छा है। ये पहाड़ी जगह है तो रास्ता तो ख़राब है, लेकिन सीनरी बहुत अच्छे है दोनों तरफ। बरसात में यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता नहीं आप लोगों को दिख रहा कि नहीं, वहाँ पे उम्बरखंड छावनी का जो ये है वो ब्लैक होस्ट किया हुआ है, वो मुझे यहाँ से दिख रहा है, डोंट नो कितना जस्टिस करेगा कैमरा। तो हम लोग, मैं फाइनली इधर पहुँच गया हूँ, ये मेरा गधा और यहाँ पे सबके घोड़े, ठीक है। सुबह सुबह तो मैं अंधा होता हूँ, तो हमारे ग्रुप के साथ ये सर लोग भी आए। सर आपका नाम बोलो ना सर। जोगेश मानकर, जोगेश मानकर, ये जोगेश मानकर सर है। अमित कुलकर्णी, संचित, अच्छा हाँ हाँ, मैं आपका नाम ठीक है किसी ने बहुत बार देखा है। तो ये लोग भी यहाँ पर आए हैं। आप लोग किसी सी में क्या? तो अभी इस जगह का एक डिटेल टूर करता हूँ। ये हाउ टू रीच वाला वीडियो का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि अपार बढ़ती रहे। टाटा, टेक केयर, सी यू, लव यू गाइस, बाय बाय। पार्ट 2 में ये पूरा जगह देखना, ठीक है।